हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है प्रशांत। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के एक छोटे से जगह से निकल कर आए आसिम रियाज बिग बॉस के 13वें सीज़न में उन्होंने काफ़ी पहचान हासिल की, उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आई और आसिम रियाज को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। हालाँकि वो विनर तो नहीं बन पाए, रनर अप होकर रह गए, लेकिन इस चीज़ की आखिर वजह क्या रही? आखिर वो यहाँ तक पहुँचने के बाद रनर अप बनकर क्यों निकले? उन्हें विनर क्यों नहीं बन पाए, ट्रॉफी क्यों नहीं मिल पाई, इसी चीज़ पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा है कि पूरे सीज़न में स्टार्टिंग में वो सिद्धार्थ के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, भाई जैसे दोनों रहते थे, यहाँ पर करण अर्जुन का टैग मिला था, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई कर ली सिद्धार्थ से तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ी। एग्जैक्टली, पहला रीज़न देखा जाए आसिम का शो ना जीतने का, तो पहला रीज़न यही है कि सिद्धार्थ से पंगा। सिद्धार्थ के साथ जब जब उन्होंने पंगा किया और वो वोटिंग ट्रेंड्स में नॉमिनेट भी होते थे तो उनकी वोटिंग्स डाउन हो जाती थी जब जब वो सिद्धार्थ से लड़ते थे। और हमने देखा भी है कि वो लगातार सिद्धार्थ से शो में लड़े हैं स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में। हालांकि दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन जब भी घर में टास्क होते थे ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते थे, बाप पर चले जाते थे, भाई बहन पर चले जाते थे, धक्का मुक्की करते थे और बहुत ही ज्यादा चीजें क्रिएट कर देते थे आसिम रियाज। तो पहला रीजन यही है कि सिद्धार्थ से पंगा लेना डेफिनेटली आसिम को भारी पड़ा है। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर दूसरा रीजन ये है उनका कि वो आधे से ज्यादा शो महीनों में जो शो का जो सफर रहा है उसमें वो पोक करते हुए भी नजर आए, क्योंकि सिद्धार्थ से लड़ाई होने के बाद वो अक्सर हमने देखा है कि वो पोक करते थे, जाके इरिटेट करते थे। एग्जैक्टली, आसिम को देखा गया उन पे काफी बार आरोप भी लगे, जिस तरीके से बिग बॉस पर आरोप लगे कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बायस है, उसी तरह लोगों ने आसिम पर इस चीज के आरोप लगाए कि आसिम रियाज जो है गेम में बने रहने के लिए वो सिद्धार्थ को बार बार पोक करते हैं, सिद्धार्थ को गुस्सा दिलाते हैं ताकि सिद्धार्थ कुछ ऐसी हरकत कर दें और वो शो से बाहर हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिद्धार्थ ने इतना कुछ नहीं किया जिस वजह से वो बाहर होते, लेकिन आसिम रियाज गेम के एंड तक भी नहीं माने, वो लगातार पोक करते रहे जो उनको नेगेटिव बनाती रही ये चीज। और ये दूसरा रीजन रहा कि पोकिंग करने के चलते भी जो आसिम रियाज हैं उनका गेम फीका पड़ गया और वो शो नहीं जीत पाए। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर सेल्फिशनेस को भी लेकर लगता है क्या तुम्हें कि आसिम रियाज सेल्फिश बहुत ज़्यादा रहे हैं शो में, खुद को आगे रखने के लिए बाकी लोगों को मतलब धोखा देते हुए नजर आए? एग्जैक्टली, यहाँ सेल्फिश और या कहें कि दोस्तों के साथ दगाबाजी करते हुए नजर आए। जैसे कि पहले उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन पे चेले का टैग लग रहा है, वो पीछे से खेल रहे, तो उन्होंने फेम थोड़ा हासिल हो चुका है, क्योंकि सिद्धार्थ बोल चुके हैं कि मेरे से बोलता था यार मैं चला जाऊंगा, मुझे बचा लेना नॉमिनेशन से, तो ये सब करके उन्होंने आगे तक पहुंचे और सिद्धार्थ को धोखा दे दिया। फिर वो फुल ऑन उन्होंने सिद्धार्थ से पूरे सीजन लड़ाई करी, ये एक रीजन उनका और है जिस तरीके से वो लड़ाई करी, उन्होंने सिद्धार्थ को धोखा दिया। फिर उसके बाद शेफाली जरीफ वाला के साथ वो रहे, एक तरफ वो कहते कि मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, उसके बाद भी वो एज अ टीम शेफाली के साथ रहे ताकि उनकी टीम स्ट्रांग रहे, वो हिमांशु और शेफाली की टीम स्ट्रांग रहे आगे तक जाने के लिए, तो यहां पर उन्होंने शेफाली जरीफ वाला के साथ धोखा किया। उसके बाद वो शहनाज के साथ भी उन्हें देखा गया कि कभी वो शहनाज की तरफ हो जाते, कभी वो शहनाज की बिचिंग करने अगेंस्ट बोलने लग जाते। मतलब अगर आसिम के साथ हैं शहनाज तो शहनाज की तारीफ करेंगे और सिद्धार्थ के पास शहनाज चली जाती थी तो फिर वो बुराई करते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन रहा। इसके अलावा एक और रीजन ये रहा कि बार बार नॉमिनेशन जब होते थे उस दौरान बातचीत करना रश्मि के साथ और अरहान के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा कि फुटेज लेने के लिए बहुत ज्यादा वो करते थे कि नॉमिनेशन डिस्कस करते थे कि इसको निकालेंगे उसको निकालेंगे ये सब। और इसके अलावा एक और रीजन रहा कि टास्क को रद्द करवाने में भी आसिम का हाथ रहा है कि सिद्धार्थ और उनकी जब भी लड़ाइयां होती थी तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की वजह से भी टास्क रद्द होते थे और आसिम भी बहुत ज्यादा पोकिंग इतनी कर जाते थे कि शो रद्द हो जाता, तो कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाना, पोक करना, नॉमिनेशन के अंदर फुसफुसा के बातें करना और सिंपथी गेन करना लगातार और अपने आप को ऊंचा दिखाना, बाकी लोगों को नीचे दिखाना, तो ये रीजंस रहे कि आसिम रियाज शो नहीं जीत पाए। बिल्कुल प्रशांत, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि कई सारे वजह रही है जिसकी वजह से यहाँ पर जनता ने आसिम रियाज को प्यार तो आखिर बहुत हालांकि बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कुछ वजह के चलते यहाँ पर चूक हो गई आसिम रियाज ने, कुछ इन गलती की वजह से उन्हें ट्रॉफी नहीं मिल पाई और रनर अप बनकर ही वो वहाँ से निकल गए। तो इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सच में आपको भी लगता है कि इन वजहों के चलते आसिम रियाज ट्रॉफी नहीं अपने नाम कर पाए हैं? आप हमें कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताएं।